हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा। मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है लिक्विड की ज्यामिति। इसके बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि लिक्विड की ज्योमेट्री में हमने क्या क्या क्वेश्चंस को किए हैं। कुछ उदाहरणों को भी इसमें हमने अच्छे से किया है। आइए आगे इसके बारे में हम समझते हैं। अब देखिए, आपको दिया गया है 5.3 लिक्विड की पाँचवीं अवधारणा के समतुल्य रूपांतरण। तो किस प्रकार होगा ये? गणित के इतिहास में लिक्विड की पाँचवीं अवधारणा का अत्यधिक महत्व है। अनुच्छेद 5.2 से पुनः इस अभिधारणा को याद कीजिए। इस अभिधारणा के फलस्वरूप यदि दो रेखाओं से गिरने वाली एक रेखा एक ही ओर से दोनों अंत्यकोणों का योग कितना है 180 डिग्री हो, तो दोनों रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस अभिधारणा के अनेक समतुल्य रूपांतरण इक्विवेलेंट वर्जन्स हैं। इनमें एक एफलेयर का अभिग्रहित प्लेफेयर ऑक्सियम है, जिसे स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन फ्लेयर ने 1792-82-29 में दिया था। इस प्रकार है, क्या है? प्रत्येक रेखा और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। अब देखिए, P आपको यहाँ दिया गया है। अभी रेखाएँ देखिए, आपको ये एक बिंदु से होकर जा रही हैं। दोनों रेखाएं किस प्रकार आपकी जा रही हैं? आकृति 5.11 में आप देख सकते हैं कि P से होकर जाने वाली सभी रेखाओं में केवल M ही रेखा के समांतर है। तो जो M है वो रेखा के समांतर है, और ये जो रेखा है इसके समांतर आप देख सकते हैं M है। और ये देखिए, L एक हमारी एक रेखा में दिया गया है, ये है आपका L और रेखा L के समांतर है। तो जो ये रेखा है ये किसके समांतर है? L रेखा के। तो M और ये क्या हो गए, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, M ये पैरेलल हो गए किसके? L के। तो समांतर क्या हो गए? पैरेलल हो गई, बराबर हो गई, एक दूसरे के समान अंतर पर हो गई। दोनों की लंबाई कितनी भी हो सकती है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम इस प्रकार इसको लेंगे। अब देखिए, उदाहरण नंबर आपको 3 दिया गया है। निम्न कथन का विचार कीजिए। सीधी रेखाओं में के एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस होती है। क्या यह कथन लिक्विड की पांचवी अभिधारणा का एक प्रत्यक्ष सीधा परिणाम है? स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। एक रेखा लीजिए और एक बिंदु ऐसा लीजिए जो रेखा एल पर स्थित न हो, और प्लेफेयर अभिग्रहित से लिक्विड की पांचवी अभिधारणा की समतुल्य है। हम जानते हैं कि पी से होकर जाने वाली या जाती हुई एक अद्वितीय रेखा एम है और जो एल के समांतर है। अतः एक बिंदु पर एक ऐसी रेखा से दूरी उस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। तो जो आपकी रेखा होगी ये इस पर लंब पर डाले हुए इसकी क्या हो गई है? रेखा पर लंब की डाली हुई लंबाई होती है। यहाँ पर इसकी क्या हो गई? लेंथ हो गई। M पर स्थित किसी बिंदु से L की दूरी और L पर स्थित किसी बिंदु से रेखा M की दूरी सदैव समान होती है। कैसी होती हैं? सदैव इक्वल होती हैं। कैसी होंगी आपकी? इक्वल होंगी। अतः ये दोनों रेखाएं L और M प्रत्येक स्थान पर एक दूसरे के समदूरस्थ हैं। कैसी हैं? समदूरस्थ, तो एक दूसरे से उसी बराबर के रूप में दूर हैं। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, अगले कुछ अध्यायों में आप पढ़ेंगे कि लिक्विड ज्यामिति होगी, परंतु इसमें हमारे एक प्रयोग का अभिग्रहित जो होते हैं आपके, जो हम मेजरमेंट करके लेकर आते हैं, परिमेय लिक्विड के अभिग्रहित और परिमेय से भिन्न हो सकते हैं। तो आपके जो इसके परिमेय हैं, परम्यूटेशंस हैं, वो सारी अलग हो सकती हैं, और अभिग्रहित की जो परम्यूटेशन लिक्विड के अनुसार है वो अलग हो सकती हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये ज्यामिति में आएंगी और इसको ज्योमेट्री में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दिया गया क्वेश्चन नंबर 1। आप लिक्विड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके? इतना आपको समझ में आया? यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही और बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी? दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगी। तो तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है, तो आप देखिए एक ही रेखा से बने जो कोण है उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, और कम से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों, ये भी आपका होना चाहिए। अब देखिए सेकंड क्या है,
या लिक्विड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, लिक्विड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, इतना आपको पता है। क्योंकि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही पर बने आंतरिक कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। परंतु यदि कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री हो, तो दोनों परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात समांतर होती हैं। इतना आपको समझ में आया? तो कैसे होंगी, जैसे हम एक रेखा ले लेते हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्योंकि ये जो कोण है आपका क्या है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ये 180 डिग्री आपका इस प्रकार नहीं बन पाया, ये पूरा 180 डिग्री होगा। तो दो रेखाएं तो नहीं बन पाने की, परंतु अगर इसका योग क्या होगा, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो 180 डिग्री का हो तो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और समांतर होती हैं। क्या होती हैं, दोनों एक दूसरे के, यहाँ पर भी एक रेखाएँ हो सकती हैं। जैसे आपने एक एम और एल रेखा ली थी, तो वो क्या होगी, इसकी समांतर थी। परंतु अगर ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं दी गई हैं, तो ये क्या है, आपका एक कोण बनाएंगी और 180 से क्या होगा, कम होगा। इतना आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कुछ समरी दी गई है। यद्यपि लिक्विड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया है, इन्होंने पॉइंट्स को, किसी भी रेखा को और कोई भी तल बिंदु को परिभाषित किया है, डेफिनेशन उसकी दी है, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ज्योमेट्री ने इन्हें अब अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। तो इनको अपरिभाषित रूप में लिया गया है, और सेकेंडली क्या है, इनको डेफिनेशन में नहीं माना गया है, इनको प्रमाणित रूप नहीं दिया गया है। अभिग्रहित और अभिधारणाएँ ऐसी कल्पनाएँ हैं जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। तो अभिग्रहित और अभिधारणा ऐसी कल्पना है, क्या है, इमेजिनेशंस हैं। ये क्या है, इमेजिनेशन है, और इनको नहीं किया जा सकता, ठीक है, इन्हें सत्य नहीं किया जा सकता। थर्ड क्या है, परिमेय वे कथन हैं जिन्हें परिभाषाओं, अभिग्रहितों, पहले सिद्ध किए गए कथनों और निगमनित तर्कण द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो प्रमेय क्या है, परमिटेशंस हैं, और ये क्या है, जिनको परिभाषाएं, जिनकी डेफिनेशंस आपको दी गई होती हैं, और डेफिनेशन के आधार पर इसको अच्छे से परिभाषित किया जाता है। अभिग्रहित होते हैं इसके, जिसमें आप क्या होता है, आपका पहला करके रखा जाता है पहले से, और इसको एक्सपेरिमेंट भी करके रखते हैं, इसको मेजरमेंट इसका पहले से किया जाता है। पहले देख लेते हैं पीछे वाला पेज, देखिए, तो पहले सिद्ध कीजिए कि दोनों कथन निगमनित तर्कण द्वारा करते हैं, तो अभिग्रहित हो गई, और हम इसको क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे जो कथन है वो निगमित तर्कण द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। इतना आपको समझ में आया? देखिए, लिक्विड की पांचवी अवधारणा के दो समतुल्य रूपांतरण हैं। जो पांचवी अवधारणा है किसकी, लिक्विड की, उसके दो समतुल्य रूपांतरण हैं, जो सेम है, एक जैसे हैं, और वो जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। पहला क्या किया गया है, देख लेते हैं। प्रत्येक रेखा एल और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु पी के लिए एक अद्वितीय रेखा एम ऐसी होती है जो पी से होकर जाती है और एल के समांतर है। इतना आपको पता चला। अब सेकेंडली क्या है, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। तो पहले वाले को समझ लेते हैं। पहले प्रत्येक रेखा एल और पर न स्थित प्रत्येक बिंदु पी के लिए एक अद्वितीय रेखा एम ऐसी होती है जो पी से होकर जाती है और एल के समांतर है। तो क्या है, एल के समांतर हमने एक एम रेखा रख दी, ये एल हो गया, ये आपका एम हो गया, ये तो दो रेखाएं हो गई, समांतर हो गई आपस में, ठीक है। और क्या है, ये पी के लिए एक अद्वितीय रेखा एम के बराबर है और पी से होकर जाती है और एल के समांतर है। तो इस प्रकार क्या हो गई, दोनों की एक दूसरे के समांतर हो गई। और दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएँ एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। तो दो रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकती। लिक्विड की पांचवी अभिधारणा को पहली चारों अभिधारणाओं की सहायता से सिद्ध करने के लिए सभी प्रयत्न कैसे रहे, असफल रहे, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। परंतु इनसे अन्य ज्यामितियों की खोज हुई और इन्हें एलिक्विडिटी परिज क्या हो गया, ज्योमेट्री कहा गया, ज्यामितियाँ कहा गया।
तो लिक्विड वाने जो लिक्विड ने दी और जो खोज की गई है, जो बाद में खोज की गई और वो सफल रही हैं, वो एलिक्विडिया ज्यामिति कहा जाता है, जिनको ज्योमेट्री कहा गया है नॉर्मल वे में, और ये लिक्विड ने नहीं दी है, इनको हमने इस प्रकार लिया है। तो हमने किस प्रकार समझा है, तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि प्रत्येक रेखा एल और उस पर स्थित नए बिंदु प्रत्येक के लिए एक अधिकतर रेखा एम ऐसी रेखा होती है जो पी से होकर जाती है और एल के समांतर होती है। तो हमने क्या बनाया, तो पी से होकर जाती है, तो ये रेखा हमने बना दी यहाँ पे, और यहाँ पर एक बिंदु को पी ले लेते हैं। तो जो रेखा है वो आपकी पी से होकर जा रही है और एम तक जा रही है, और एल और क्या है, ये दोनों आपकी क्या है, समांतर रेखाएं, क्या है, समांतर रेखाएं। इतना आपको समझ में आया कि कैसी रेखाएं हो गई आपकी, समांतर रेखाएं। अब सेकंड क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक रेखा के समांतर नहीं हो सकती, तो जो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ, एक रेखा ले लेता हूँ, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इस प्रकार। और हमने क्या किया, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को एक मध्य बिंदु पर, ये क्या मान लिया हमने, मध्य बिंदु, और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, और ये हमने मध्य बिंदु ले लिया। और क्या है, जो मध्य बिंदु को हमने इसमें लिया है, तो हमें सब ये क्या कहा है इन्होंने कि जो दो रेखाएं हैं ये समांतर नहीं हो सकती, तो समांतर रेखाएं वो हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये पैरेलल हो गई। परंतु ये जो रेखाएं हैं आपकी इस प्रकार ली गई हैं, ये पैरेलल नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जो प्रतिच्छेद करेंगी वो एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। इतना आपको समझ में आया। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो दो रेखाएं हैं वो किस प्रकार हम लेंगे, कोई भी रेखा हम यहाँ से ले लेंगे, इसको हम ए बी मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे, बी सी या सी डी हम इसको मान लेते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो हम कैसे करके लिख सकते हैं, ए बी समांतर है सी डी के, और ये हमारा यहाँ से वर्ग भी बनाया जा सकता है, जिसके प्रत्येक कोण क्या हो गया आपका, 90 डिग्री। अब इसकी दो रेखाएं पैरेलल हो गई, ये वाली और ये, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं पी डी किसके पैरेलल है, ए सी के। तो पहले हमने इन दोनों लाइनों को लिया, फिर हमने क्या लिया, इस लाइन को लिया, पहले ए सी को लिया और फिर बी डी, ये भी हमारी क्या हो गई, समांतर हो गई। तो कैसी रेखाएं हो गई, समांतर। इतना आपको समझ में आया, कैसी रेखा हो गई, समांतर रेखाएं हो गई, और इस प्रकार हमने इसको लिया है। और हमने क्या चीज़ें सीखी हैं इसमें, कि ज्योमेट्री में जो रेखाएं कल्पना के बेस पर होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, वो आपकी अभिधारणाएँ या अभिग्रहित होते हैं, और जो आपकी कल्पना के बेस पर नहीं होते वो आपके क्या होते हैं, प्रमेय होती हैं, प्रमेय परम्यूटेशंस होती हैं, जिनकी सहायता से आप कुछ उदाहरणों को हल कर सकते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करके उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।